ओम श्री साईराम। परम प्रेममय परम करुणामय साई मांक चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणति जणे आरंभ करिवा आजिर प्रशांति अनुचिंता। कालीर समय रे तत्क्षणात संतुष्टि एवं फलाफल आशा करा जाउथुवा बेले आमे निजर आध्यात्मिक अभ्यास निरंतर करि चालिवा निमन्ते साहसिकता एवं सत्यता अवलंबन करिवा कोण पई आवश्यक भगवान ताहा आज प्रेमपूर्ण भाव रे आमको मने पकाई देइछन्ते। भगवान एठारे कहुछन्ते गोटिए पत्थर कोड़िए थर हातुड़ी रे प्रहार करले मध्य भांगी न पारे, किंतु एकोइसितम प्रहार एहाकु भांगी देई पारे। एहा कोण सूचे थाए जे कोड़िएटी प्रहार कोनोसी कामर नथिला, नाही एपरि नुहे। सर्वशेष फल प्राप्ति निमन्ते प्रत्येक प्रहार रो किछि ना किछि सहयोग रहिछि। अंतिम फल हेउछि समस्त कोड़िएटि प्रहार रो सामूहिक प्रभाव। ठीक सेहि परि मन मध्य एही संसार रो संघर्ष पई उभय भितरे एवं बाहरे व्यतिग्रस्त होइ रहि थाए। एहा कहिबा अनावश्यक जे सफलता तुम हातरे न थाई पारे, किंतु तुमे उत्तम कर्म एवं सर्वदा भगवत प्रेमर चिंतन रे निमर्जित होई चिरंतन आनंद पाई पारिबो। जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को प्रेममय कर, ताहेले पाप चिंताधारा गुड़िक तुमर मार्ग को आसिबार साहस करी पारिबे नाही। जदि तुम्हारा मन सर्वदा भगवत चिंतन रे रहे तेबे तुमे स्वत स्फूर्त भाव रे उत्तम कर्म आड़कु आकर्षित हेब। समस्त प्रकार रो आध्यात्मिक अभ्यास रो उद्देश्य हेउछि मन को ध्वंस करिबा। एहा केबे ना केबे कोनोसी उत्तम कर्म द्वारा ध्वंस करिबारे सफल हेब। ठीक जेपरि एकोइस्तम प्रहार पथरटि क्यू भांगिबारे सफल होइथिला, अतीतर समस्त उत्तम कर्म एही सफलता निमन्ते सहयोग करिब। प्रत्येक क्षुद्र कर्मर मध्य मूल्य अछि। कोनोसी उत्तम कर्म न करिबा एक व्यर्थ जीवनर परिचायक। एही सुंदर वाणीति भगवान प्रेम बाहिनी अध्याय 28 रे समस्तंकु सुचाई देइछन्ते। एहा कहिबार तात्पर्य निरंतर उत्तम कर्म करिबा द्वारा चरित्र निर्माण होइथाय। जय साईराम।